पूछते हैं इनसे किस तरह से दौड़ हुआ है और उसके बारे में सारा जानकारी है अभी पास करके आए, इसको सारा अनुभव है, अपना अनुभव शेयर करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संभव कीजिए कि फॉलो करें ताकि आप अच्छा से पास कर सकें। तो बताइए एंट्री में मतलब कैसे आपका एंट्री हुआ और क्या क्या प्रोसेस हुआ, आप मतलब प्रोसेस बताइए। पहले नंबर मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरा नाम प्रवीण कुमार, मैं फिजिकल्स देने आया हूँ यहाँ आबाड़ी में। रही फिजिकल की बात तो आज फिजिकल मेरा 20 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, मौसम बहुत ही अच्छा था, फिजिकल मेरा अच्छा गया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, शाम तक आ जाएगा। रही इंट्री की बात तो आज जब इंट्री में गया तो मुझसे एक एडमिट कार्ड और एक फ़ोटो और आधार कार्ड, सिर्फ एक आईडी चाहिए और उसे दो आईडी की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको इंट्री ली जाएगी तो यही चीज़ लिया जाएगा और उसके बाद आपको अंदर थोड़ा भेजा जाएगा, तो जाने के बाद वहाँ पर बिठाया जाता है, बिठाया जाता है, तो आप वेट कीजिएगा। उसके बाद वहाँ से उठा के आपको लेटरिन टॉयलेट के लिए भेजा जाता है, तो आप जाइएगा। आपको फ्रेश होने का मौका दिया जाता है, हर व्यक्ति को फ्रेश होने का एक मौका दिया जाता है, सिर्फ एक ही, कभी कभी ज़्यादा ज़रूरत हो तो आपको अंदर जाने के बाद एक और मौका मिलता है तो आप जा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए तो सिर्फ एक बार निपटा लेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, टाइम बचेगा, आप जल्दी से वहाँ पहुँच पाइएगा तो आपकी प्रक्रिया अच्छी हो पाएगी। तो पहले आप टॉयलेट कर लीजिएगा, अगर आपको हंसेगा लग रहा है मैं लेट्रिन भी जा सकता हूँ तो आप लेट्रिन भी जा सकते हैं, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। और उसके बाद वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर जाइएगा तो आपको चेस्ट नंबर मिलेगा, चेस्ट नंबर दिया जाएगा तो वो आप पहन लीजिएगा, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद थोड़ी दूर आगे जाइएगा तो, और आगे जाने के बाद जब अंदर वो पंडाल बना हुआ है, पंडाल तो पंडाल के अंदर में जाइएगा तो वहाँ पर आपको अगर फोटो अगर शॉट लिए बाहर में तो ठीक है, नहीं तो आप वहाँ पर गोंद रखा हुआ है फोटो सटा लीजिए। और उसके बाद थोड़ी दूर साइड में ही आपको इंजेक्शन लिखने को कहा जाता है, जो लिखा एडमिट कार्ड पर रहता है खाली स्पेस वहाँ पर लिख दीजिए अच्छी ढंग से, वो जो निर्देश दिया रहता है। हाँ, निर्देश जो दिया रहता है, और साइन उन नहीं करना है तो आगे जाइएगा तो आपको वेरिफिकेशन होगा, तो वेरिफिकेशन में है क्या तो आपका वो चेक करेगा जो आप लिखे कि नहीं वो हो गया, और आपको बायोमेट्रिक होगा, वहाँ पर बायोमेट्रिक होगा, थम लिया जाएगा और उसके बाद वहीं पे चिप्स का सर्च किया जाता है, ठीक है। हाँ, बांधा जा रहा है चिप्स है तो यहाँ पे लगाया जाता है। अच्छा। और दोनों पैर में, दोनों पैर में लगा के और उसके बाद एक मशीन रहता है उससे सर्च कर लेता है इसको, और आपका एडमिट कार्ड में एक बार कोड होता है, बार कोड का भी सर्च हो जाता है वहीं पे। और उसके बाद वहाँ से आप जब थमार ले लेगा वहाँ से एक पेपर मिलता है, पेपर को रिसिप्ट है ना, कार्ड काट लेगा। अच्छा। और आप जो जहाँ पर साइन मोहर थमार हुआ है वो रख लेगा आपका, और जो बच गया नीचे का पार्ट आपको दे दिया जाएगा और आप जाइएगा तो वहाँ पर तब वहाँ पर भी जाइएगा तो एक बांस गाड़ा हुआ है, बांस लगा हुआ है उसमें एक थोड़ा सा छोटा सा इतना मशीन है, वहाँ पर आपको ऐसे सटाना है मशीन में पैर, ये जो चिप्स है, हाँ स्कैन, चिप्स का स्कैन होता है, फिर इसमें भी होता है कि दोनों करा लीजिएगा। तो थोड़ी दूर आगे बढ़िएगा तो आपको वो जो रिसिप्ट काट के दिया गया है वो रिसिप्ट को चेक कर लेगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ाएगा, आगे जैसे ही बढ़िएगा तो वहाँ पर फिर एक लाइन लगा दिया जाता है, तो लाइन में थोड़ी वेट करना पड़ता है, और वेट क्यों करना पड़ता है कि अगर अगला दौड़ रहा है आपसे पहले तो उसको दौड़ा लेगा, उसके बाद आपको ले जाएगा अंदर एंट्री कराएगा। तो सबसे पहले वहाँ से एंट्री कराता है तो वहाँ पर आपको बोरी उठाने के लिए बोरी, हाँ पहले बार आपको बोरी उठाना पड़ेगा, बोरी मतलब क्या बोरी, हाँ वो बता रहे हैं जमीन पे ही रहता है, बता रहे हैं बोरी उठाना पड़ता है, बोरी में है क्या सैंड है,
सैंड है, और बोरी कैसा है, तो बोरी प्लास्टिक का बोरी है, प्लास्टिक, और वो सिला हुआ है, सिला हुआ है। अगर आप चाह सकते हैं, छोड़ दीजिए, अगर आप चाह सकते हैं तो ऐसे, अगर अगर आपके पास ज्यादा क्षमता है तो आप ऐसे, जैसे बोरी है ऐसे, तो आप ऐसे पकड़ के उठा सकते हैं, लेकिन वहां पर होता है क्या, ज्यादा आपको ताकत की जरूरत होगी, इसलिए जो जैसे बोरी ऐसे है, आप कोशिश कीजिए कि ऐसे बीच में पकड़िए, बीच में पकड़ लीजिए, आराम से उठा लीजिए, आराम से उठ जाएगा। हाँ, कंधा पर रखिए, कंधा पर बेस्ट होता है, फिसलेगा, ऐसे पकड़ लीजिए, नहीं तो अगर जो कमजोर व्यक्ति हैं उनको लगता है नहीं होगा हमसे, पहले हमसे नहीं हो पाएगा, तो एक काम कीजिए, पैर फैला लीजिए, बोरी को यहाँ से ऐसे पकड़िए और उठा के यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर रखने के बाद क्या होगा, आपको रेस्ट मिलेगा और आप फिर प्रयास करिए, कभी कंधा पर आ जाएगा उसके। हाँ नहीं, देखिए हम वहाँ पर देखे हैं तो हेल्प तो नहीं कोई कर रहा है किसी का, ऐसा तो मेरे सामने नहीं मिला है, और कोई प्रयास, कोई हेल्प मांगा भी नहीं है, हो ही जाता है सबसे। अधिक केजी का वजन बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं ना कि 40 केजी ऐड कर दिया हो? नहीं नहीं नहीं, हमको लग रहा था, जो घर पर हम प्रयास किए थे, तैयारी किए थे, तो हम थोड़ा ज्यादा वाला किए थे 37 केजी का, लेकिन यहाँ पर जो उठाए हमको 35 केजी, तो हमको लग रहा था कि शायद 30 किलो, 30 केजी हुआ, इतना आसान लग रहा था। हाँ, और आराम से उठ गया। और घोड़ा में क्या रहता है, गिट्टी, बालू, क्या है उसमें? फर्स्ट ये मैं क्या था बोला, ये बात मैं फर्स्ट समय में ही बोल दिया था, सैंड था, बालू है। अच्छा, और आपको जो, और वहाँ पर आपको पार करना है, पार करना है तो वहाँ पर 2 मैट लगा हुआ है, 2 मैट है, एक यहाँ है सुरात का, एक इंड का, एक इंड का। आपको बोरी उठा के चलना है, सिर्फ 2 मिनट है आपके पास, आप जा सकते हैं। कितना मीटर? 100 मीटर जाना है, 2 मिनट है, वो काफी अच्छा समय है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करिए कि दौड़े ना, दौड़िएगा, क्योंकि वहाँ पर सैंड है, जहाँ पर बोरी लेके जाना है उस रास्ते में ज्यादा सैंड है, जिसके कारण आप फिसल सकते हैं, इसलिए आप उठाइए, हल्का झटक ये झटक के चलिए, आप पहुँच जाइए। समय का पूरा यूज करना, तो हाँ, 2 मिनट है, हाँ, बहुत समय है, इनिशियल टू एंड। हाँ, ये नहीं बोले कि बालू जो बोरा है वो टेबल पे रखा हुआ, किसी ग्राउंड पे ही रखा हुआ? आप क्वेश्चन कीजिए ना, तो वो जो है बोरी, जो है बोरी तो आपको जमीन पर ही रखा हुआ है, धरती पर रखा हुआ है। अगर वो अलग बोर्ड में देखे हैं, टेबल पर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ है जो आबादी में है, वहाँ पर नीचे में ही रखा हुआ है। अच्छा, ये है। और उसके बाद जब वहाँ आप इंड कीजिएगा, तो आपको मैट पार करके वहाँ जाइएगा, आगे सर रख दीजिए। तो जैसे कि लाइन में हम लगे हैं, हाँ, अब जैसे कि हम नहीं, नीचे से नहीं उठाना चाहते, हम ऊपर से उठाना चाहते, क्या हम, हाँ, ऐसा मिलेगा मौका? एक बात, ये वहाँ बोरा कैसे उठाया जाएगा, मतलब जिसको मैं जो बोरा उठाना है उठा लो, या फिर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो कमजोर आदमी है, लगता है हमसे नहीं उठेगा, तो वो क्या कीजिए, जैसे बोरी का ढेरी है, ढेरी है, आप कोशिश कीजिए कि ढेरी के साइड चले जाइए, और कंधा इसमें सटा लीजिए, और सिर्फ उठा लीजिए, सटा के रख लीजिए, वो बेस्ट है जो कमजोर के लिए, नहीं तो जो जिसके पास अच्छा खासा ताकत है तो नीचे से उठा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला मौका मिलता है, ऊंचा वाला पर उधर चले जाए, ये मौका मिलता है ना? हाँ, ऊंचा, हाँ, जा सकते, आपकी इच्छा पर है, जैसे आपको भेजेगा तो आप देखिए हम इधर से नहीं उठा पा रहे, तो आप घूम के पकड़ लीजिए उधर, ऐसा, ऐसा मौका है आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कितना समय देता है जब वेट उठाने के बाद, कितना समय के बाद रनिंग करने? हाँ, ये बता रहे हैं, जब आपको खत्म हो जाएगा रख दीजिएगा, तो आपको आगे से घुमा के ले जाएगा और लाइन से बैठा दिया जाएगा, लाइन से, हाँ, आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर लगभग आपको 5 से 6 मिनट या 10 मिनट भी बैठना हो सकता, क्योंकि प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके प्रकार से होता है, और वहाँ से आपको उठा के ले जाएगा, तब आपको आगे पानी का बोतल रखा हुआ है, आप जाइए, आपको लग रहा है जो मेरा कंठा सूख रहा है, तो आप पानी पी लीजिए, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा नहीं, हल्का पीजिए और मुँह भिगा के पानी फेंक दीजिए। हाँ, पानी नहीं, एक गिलास लीजिए, पानी रखा हुआ है ग्राउंड के बगल, और उसके बाद आपको पानी पीने के बाद जस्ट आगे बैठाया जाएगा, फिर बैठिए, कुछ देर इंतजार कीजिए, क्योंकि अगला प्रक्रिया हो रहा है आगे का, और फिर वहां से आपको उठाया जाएगा, मेन जहां पर दौड़ स्टार्ट होगा वहां पर आपको फिर बिठाया जाएगा, मतलब कि 3 बार हमको बिठाया गया है, वहां पर बैठिएगा, तो जैसे जैसे बगल वाला 5
चार को बैठा लेता है लाइन, तो जैसे हमारे बगल वाला को भेज दिया, उसके बाद मेरा नंबर आएगा, मेरा लाइन का नंबर, तो मेरा नंबर लाइन का नंबर आया तो हमको भेजा गया। और सभी मत सूचना वहाँ पर साउंड लगा हुआ है, अच्छी से सूचना बताया जा रहा है, तीन भाषा में बताया जा रहा है, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी और तमिल में भी, किसी को प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा। उसके बाद आपको अच्छी गाइडलाइन के साथ बताया जाएगा। और ये वहाँ पर है कि दौड़ने का ग्राउंड की बात रही तो ग्राउंड 400 मीटर का है, अढ़ाई चक्कर लगाना है, जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है तो वहाँ पर हरी झंडी लगी हुई दो, वहाँ पर जाइएगा, आपको बोलेगा कि आप स्टार्ट कीजिए, अब जैसे ही बोला तो आप स्टार्ट कीजिए, मैट कोशिश कीजिए कि मैट पर आप देकर ही जाएं, ऐसे इतना दो जगह रखा, मतलब कि यहाँ पर जैसे है तो दो मैट लगा हुआ है, एक यहाँ थोड़ी गैप करके थोड़ा फिर एक मैट, आप नहीं भी चाहिएगा हम उस पर नहीं रखें, फिर भी आपको प्यार रखा ही जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन एक किलोमीटर में कितना बार मैट पे पैर रखा? हाँ बता रहे हैं, तो वहाँ से मैट जाइएगा तो फिर आगे जाकर 200 मीटर पर है ना एक और मैट है, वो क्यों है, क्योंकि अढ़ाई चक्कर लगाना है, अढ़ाई चक्कर लगाना है, क्यों दो चक्कर मारिएगा तो 800 मीटर हो जाएगा, लेकिन आपको जो 200 मीटर है तो उसको कवर करने के लिए उसका भी तो टाइम रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके लिए एक 200 मीटर पर मैट लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी कोशिश कीजिए प्यार रखिए, आपको प्यार रखा ही जाएगा, वहाँ पर भी दो मैट है, समझिए, तब मारिएगा तो स्टार्ट कीजिएगा स्टार्टिंग पॉइंट से, तो दो राउंड अच्छी से मारिए, अच्छी से मतलब कि ये ना स्लो मारिए ना फास्ट भी मारिए। 200 मीटर का जो गैप है वो हाँ। स्टेट बना हुआ है 400 मीटर का, देखिए 200 है हाँ। हम बोले वो ग्राउंड जो है आपको अंडाकार है, ना ही पूरा राउंड है आपका अंडाकार है, ऐसे ग्राउंड है, आप स्टार्ट कीजिएगा तो दौड़िए, उसी ये नहीं है कि जो एक्स्ट्रा 200 मीटर है अलग भागना है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। उसी पर जाना है। अच्छा, जहाँ पर स्टार्टिंग कर रही है तो भागिए, मतलब 401 राउंड 400, फिर एक राउंड 400, फिर हरी झंडी के पास आ गए, वहां से जितना दम हो आप लगाइए, और लाल झंडी लगी हुई है एंडिंग पॉइंट, हाँ दो झंडी लगी हुई है फिनिशिंग पॉइंट पे, उस मैट को कवर करके पैर दे करके आप जाकर रुक जाइए। एक बार में कितने लड़कों को दौड़ा रहा है? एक बार में आपको लगभग किसी में देखे 35 किसी में 40 ऐसा ही, उससे ज्यादा लिमिट नहीं है, कितनों को दौड़ा सकता है, लेकिन मेरे एथी में लगभग 40 था, गिन तो नहीं पाए वाले हैं। अच्छा, जूता अलाउ है, एकदम कंपलसरी है कि नहीं भी ग्राउंड में? टाइम बताते हैं, मतलब कि जो दौड़ेगा भैया, जो दौड़ेगा तो मतलब 40 को एक बार ढकेल दिया जाएगा कि अपने अपने अनुसार दौड़े। 40 विद्यार्थी को अगर दौड़ाया जाता है तो सब 40 अगर विद्यार्थी को दौड़ाया जाता है तो आपको जब लाइन में लगाया जाएगा तो जरूरी नहीं है कि सब एक ही बार दौड़ेगा, जैसे आप दो आगे हैं, दो आगे हैं, जैसे एक एक लाइन दो लाइन को उठाता है तो आप जरूरी नहीं है सब एक ही भीड़ दौड़ाता है, वैसा नहीं है। ठीक ठीक, पहले दो छोड़ा, ठीक, फिर दो तीन सेकंड के बाद फिर छोड़ा, फिर ऐसे करके बारी बारी से हाँ, गैप दे रहा है, गैप है दोनों का, आपका मन है जो हमें हम साथ में ना दौड़े, आप साइड हो जाइए, उसके बाद आप दौड़ सकते हैं, क्योंकि आप पर कोई प्रतिबंध नहीं, नहीं आपको दौड़ना ही है, ऐसा नहीं है। आप जैसे शुरू में बोले कि दौड़ सकते हैं ना, हाँ जूता बिना जूता की बात हुई तो पहले नंबर हम ग्राउंड की क्वालिटी बता देते हैं, उसके बाद आप फैसला कर लीजिएगा। ग्राउंड जो है ग्राउंड पर सेंड है, सेंड में बालू है, और उतना भी ज्यादा बालू नहीं है लेकिन है बालू है, और देखिए वहाँ पर जो उसमें थोड़ा अगर छोटा छोटा कंकर भी है, अगर फर्स्ट सिटिंग होता है आपका तो उस समय वो पूरा सेंड नॉर्मल रहता है, तो आप खाली पैर भी मार सकते हैं, लेकिन धूप हो गया तो आपको तो वो थोड़ा अधिक हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो आपको पैर छिलने का डर रहेगा, नहीं आपको मना नहीं करेगा, आपका मन है तो जूता पहन के दौड़िए या खाली पैर, अगर मान चलिए आप जूता पहन के चले गए हैं, आपका मन हो गया नहीं हम खाली पैर दौड़ेंगे, आप जूता खोल कर साइड कर सकते हैं और आराम से दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिना जूता का प्रैक्टिस किए हैं, बिना जूता के ही दौड़ना है, हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेकिन हाँ ये बात है जो आप प्रैक्टिस जो किए हैं
अगर जूता हम किए नहीं किए खाली पैर किए तो कोई दिक्कत ना, आपका प्रैक्टिस हो चुका है तो आप सवाल लीजिएगा। बालों में दौड़ने के बाद किसी का पैर कट तो नहीं रहा है? नहीं अभी तक तो नहीं सुना हूँ, लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि छोटा छोटा कंकर है, बालू है और छोटा छोटा कंकर है, आपका नसीब खराब हो ऐसा न हो सकता है, आपको कर सकता है, इसलिए आप कोशिश कीजिए। अगर मौसम अगर फास्टिंग रहता तो अच्छी मार दीजिएगा, कोई समझ नहीं आएगा। आप जैसे बोले कि शुरू में वॉशरूम एक ही बार जा सकता है, टॉयलेट एक बार कर सकता है, अगर हम लाइन में हमको लगा दिया दौड़ने के लिए अब उस समय हमें टॉयलेट लग गया तो क्या जाने दिया जाएगा? इसका बात हम क्लियर पहले कर चुके हैं, पानी पिएंगे तो टॉयलेट वाजिब सी बात है। देखिए पानी जो पिलाया जाता है उसके बाद है ना आपको ना 5 से 6 मिनट ही समय दिया जाता है, समझिए उस समय में आपको नहीं आएगा, लेकिन वहाँ चलिए मेरा नहीं आया, सबका बॉडी तो एक जैसा नहीं, एक जैसा नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या देखे नहीं, वहाँ रनिंग के बोल रहा है कि सर हमें टॉयलेट जाना है, देखिए दे रहा है, मैं ये बात छिपाना नहीं चाहता हूँ, वहाँ पर जहाँ पर पानी पिलाया था ना वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, उससे पहले ही किया जाता है, इसलिए कोशिश कीजिए अपने ही पहले फ्रेश हो जाने के लिए, वहाँ पर व्यवस्था ऐसे नहीं है। वही चीज बोल रहे हैं कि आपको अगर वहाँ दिखाई दिया है तो बताइए।